शाहदरा के दो युवकों ने इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में गवाई जान। दोनों युवक आए ट्रेन की चपेट में। युवक की पहचान वंश और वरुण के रूप में, चश्मदीद का कहना एयरफोन लगाने के चक्कर में हुई घटना। सदन में हुए हंगामे पर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और आपका वार पलटवार। आप पार्षद ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, बीजेपी पार्षद ने साधा आप पर निशाना। एटीएस स्टाफ के हाथ लगी बड़ी सफलता, बाइक चुराने वाले दो आरोपियों किया गिरफ्तार। नंदनगरी से बरामद की दूसरी बाइक। मधु विहार में डिलीवरी बॉय से पैसे छीनने के चक्कर में हुआ हमला। पीड़ित के विरोध करने पर सर पर मारी रॉड, पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। नामी ब्यूटी कंपनी के नकली प्रोडक्ट की फैक्ट्री पकड़ी गई। शकरपुर में छापा, 1000 किलो पैकेजिंग सामान पकड़ा गया। स्कूल ब्लॉक में चलाई जा रही थी नकली पैकेजिंग की फैक्ट्री। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शाहदरा में इंस्टाग्राम पर रील बनाकर लाइक्स, कमेंट और वाहवाही लूटने के चक्कर में दो युवकों ने अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में दोनों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। युवक की पहचान वंश पंडित के रूप में हुई है, जो कि 23 साल का है, और वहीं दूसरा वरुण के रूप में हुई है, जो कि 20 साल का था। आपको बता दें कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरी घटना शाहदरा के कांतिनगर रेलवे फाटक के पास की है। जांच रेलवे पुलिस लगातार कर रही है। कांतिनगर एक्सटेंशन गली नंबर 2 के लोगों का कहना है कि अक्सर रील बनाने के चक्कर में ये उधर जाते थे। शाम करीब 2 बजे कृष्णानगर पुलिस को कॉल मिली और साथ ही घटना के समय पर रेलवे ट्रैक के पास मौजूद लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगाकर चल रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेन की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दो हैं हमारे गली के, एक का नाम मनीष पंडित है, दूसरे का वरुण है। ये बता रहे हैं कि जैसे कल 7 बजे पुलिस की कॉल आई कि इनके दोनों की बॉडी मिली है। ये अग्रिमी बच्चों को शौक था, जो भी पता चल रहा है कि वीडियो रील आजकल बनाते हैं बच्चे, वो तो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर गए हैं। वहीं पर एक घटना हुई है दोनों की डेथ। मुझे तो देखो इतना जानकारी लेके अभी जैसे पता चल रहा है, घर वाले या उनके आईडी से जो चीज़ें हैं कि देख रहे हैं हम लोग, अक्सर वो जाते रहते थे वीडियो। सो अब दोनों जैसे बच्चे हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें थी परिवार का। अगर कुछ व्यक्ति जाता है तो उसको पता चलता है कि कितना कष्ट उसको उठाना पड़ता है। मैं कल रात को बात हूँ, कल शाम को पता चला था 6:30 बजे कि मतलब इतना पहले वरुण का पता चला था, मैं मोनू जिसका नाम मोनू भी है, पता चला था कि वो रेलवे ट्रैक के नीचे आ गए और कोई लड़का है। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया हॉस्पिटल से कि एक ही वंश है, और फिर पता चला दोनों की बॉडी कट गई है, रेलवे ट्रैक के नीचे आ गए। ये वीडियो इन्हें रील वील का बहुत शौक था, फोटो खींचने का था, तो ये रील बनाने चाहते गए। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, वैसे ही पार्षदों का हंगामा भी शुरू हो जाता है। कल रात पार्षदों के बीच हाथापाई हुई और बोतलें भी फेंकी गई। हंगामे के बीच माइक भी तोड़ दिया गया, साथ ही पोलिंग बूथ भी गिरा दिया गया, और आज सुबह से सदन में कागज के गोले भी फेंके गए। इस दौरान महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती नजर आई। फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। इसी संबंध में बीजेपी पार्षदों का कहना है कि आपके पार्षदों ने हमला किया है, और बीजेपी पार्षदों ने मांग की कि आप पार्षदों पर कार्यवाही की जाए, उन्होंने हाथापाई की है। वहीं आप पार्षदों का कहना है कि बीजेपी आप पार्टी के मेयर चुने जाने पर बौखला गई थी और सदन की कार्रवाई और स्टैंडिंग कमेटी को चुनने से रोक रही थी, जिस वजह से बेवजह हंगामा किया गया। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में और दिल्ली के निगम के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सिविक सेंटर में निगम के सदन की बैठक में मेयर के इशारे पर हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट, महिला पार्षदों को गाली गलौज और देश के सबसे प्रधानमंत्री को गाली देना, ये सब जो भी जितने भी हदें इन्होंने पार की, इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर और अतिशी जो इनकी विधायक थी उसके इशारे पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार किया। जब मेयर और डिप्टी मेयर इनका चुन लिया गया था,
स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरन का चुनाव होना था और उसमें सुबह पीठासीन अधिकारी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मोबाइल बिल्कुल भी जहां पर हम वोटिंग कर रहे हैं वहां नहीं जाएगा। लेकिन जब मेयर बन गई तो उन्होंने ये सब वहां अलाउ किया। जब हमने विरोध किया तो हमारे से मारपीट हुई और जिससे सदन की गरिमा तार तार हुई। डिप्टी मेयर मेयर का तो इलेक्शन ठीक रहा क्योंकि उनको उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई भी किसी के लिए नहीं सोच सकता कि किसी के दिमाग में क्या होता है। बट उसके बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन की बात हुई तो अभी थोड़े ही वोट हुए 40 के आसपास तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया जी आपके लोग कैमरा लेके जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको एक बहाना चाहिए था और मुझे लग रहा है कि उन्होंने किसी से टाई अप किया हुआ था या गॉड नोज क्या बात थी कि उनको लग रहा था कि डिस्क्लोज ना हो जाए या वो हमें डर के कहीं हमारा साथ ना दे या जो भी था। तो उसके बाद बस इतना कहने के बाद उन्होंने ना वोटिंग करने दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसी चीज़ को लेके आप देखिए कि हम सुबह से गए हुए पूरा दिन निकल गया, पूरी रात, और पूरी रात ये नहीं कि हम लोग बैठे रहे, पूरी रात में मेरे को लगता है कम से कम 10-12 बार भी बार बार मेयर की तरफ से मीटिंग कॉल की गई कि भी मैं इलेक्शन स्टार्ट करा रही हूँ तो आप वन बाय वन अपने सीरियल वाइज आप लोग आओ और वोटिंग करो, पर इन लोगों ने वोटिंग नहीं करने दी। शारदा डिस्ट्रिक्ट के एटीएस स्टाफ ने करकडूमा कोर्ट के पास बाइक चुराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित और बल्लू ने भी खुलासा किया कि वो बाइक चुराने के समय उसे स्नैचिंग की वारदातों को भी अंजाम दिया करते थे। दोनों मंगलवार को कोर्ट के पास ही वारदात करने के लिए घूम रहे थे। संदेह होने पर स्टाफ ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी निशानदेही पर दूसरी बाइक नंदनगरी से भी बरामद की है। पूर्वी दिल्ली के थाना मधुविहार के अंतर्गत स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले आकाश नाम के एक लड़के पर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित आकाश पिछले 3 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बुजुर्ग पिता और एक बेटी है। दरअसल मंगलवार की शाम को आकाश रोज की तरह ही अपनी डिलीवरी का सामान लेने नजीर फूड पर पहुंचा था। वहां पर 4 से 5 लोग खड़े हुए थे। आकाश का कहना है कि वो रोज ही उसके साथ गाली गलौज करते थे लेकिन कल वो उससे उसकी मेहनत की कमाई हुई पूंजी छीनने वाले थे। आकाश का कहना है कि वो रोज की तरह उसके साथ में गाली गलौज करते थे लेकिन कल वो उससे उसकी मेहनत की कमाई ले रहे थे। जब आकाश ने इसका विरोध किया तो उसके सर पर रॉड से हमला कर दिया जिससे वो काफी घायल हो गया। वहीं आकाश के दोस्तों ने आकर आकाश को हॉस्पिटल पहुंचाया जहां उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। आकाश का कहना है कि वो कल शाम से अभी तक पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा है लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि आकाश को अभी और कितनी देर तक, कितने दिनों तक थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। सर, मैं स्विगी में डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। मेरे को यहाँ पे 3-4 लड़के हैं जो मेरे से पैसे छीनने थे। मैंने उन्हें पैसे देने से मना करा तो उन्होंने मेरे को मारा सर, और मेरे यहाँ FIR की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। नहीं सर, पहले तो आज से पहले इन्होंने खाली मुझे धमकाया, बस खाली इन्होंने मेरे को कल मुझसे ज़्यादा ही जबरदस्ती कर रहे थे तब इन्होंने को मारा पीटा सर। मेरे सर पे इन्होंने रोड मारी है शायद। किसने मारी रोड, नाम पता है आपको? हाँ सर, नाम पता है मेरे को, उसको रंगीला बोलते हैं सर। थाने में कल शाम की बोली भी है, कोई अब तक एक्शन नहीं लिया गया। क्या क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कह रहे हैं हम देखेंगे सर। कल शाम 5:30 बजे के थाने में आया था मैं, कोई एक्शन नहीं हुआ था। वो ये बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, हम सुबह बात करेंगे, ये बोला था कल रात तो उन्होंने कि मेडिकल करवाने क्या हुआ, हम सुबह बात करते हैं। अगर आप मार्केट से किसी नामी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि खूबसूरती बढ़ाने के चक्कर में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिसका निजात पाना भी आसान ना हो। पूर्वी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने शकरपुर इलाके में छापेमारी करके नकली ब्यूटी प्रोडक्ट को पैक करने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में नामी कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो मटेरियल भी तैयार किया जाता है। इस फैक्ट्री में नामी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट का पैकेजिंग मटेरियल तैयार किया जाता था। आपको बता दें कि फैक्ट्री से पैकेजिंग का 1000 किलो तैयार किया गया मटेरियल भी बरामद किया गया है। इस मामले में शकरपुर थाने में कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले प्रमोद शर्मा को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी VCCL की ओर से शिकायत मिली थी कि उनकी कंपनी के नाम पर नकली पैकेजिंग मटेरियल बनाकर उसमें नकली सामान बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। मामले की छानबीन हुई तो पता चला कि शकरपुर के स्कूल ब्लॉक इलाके में एक फैक्ट्री में ऐसा सामान बनाया जा रहा था।
डीआईयू सेल ने भी मंगलवार शाम को रेड की और 1000 किलो पैकेजिंग सामान भी बरामद किया। अभी नकली प्रोडक्ट बरामद किए जाने हैं और उसके लिए भी पुलिस को सुराग मिल गए हैं। गंदे पानी की समस्या से अभी से लोग परेशान होने लगे हैं। दरअसल गंदे पानी या फिर पानी ना आने की समस्या से गर्मियों में देखने को मिलती है, लेकिन शकरपुर के लोग अभी से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी में काफ़ी बदबू आ रही है, पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, इसे पीना तो मुश्किल है और घर के बाकी काम में भी यूज़ नहीं आता है। पीने के लिए पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। दिक्कत ये हो रही है, काफ़ी दिनों से इतना गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है कि बता नहीं सकते। जिसके कारण भाई जिसका गंगा वाटर के भरोसे है वो तो बेचारे बदबूदार ले ही रहे, उसके बाद समर सीवर का पानी भी उसी कारण बदबू आने लगा है। अच्छा, वो भी गंदा हो गया। बहुत ज़बरदस्त, आप देखो बल्टी के अंदर एरा प्रूफ देख लीजिए तो कितना गंदा पानी है। अच्छा। कोई ये झूठ नहीं बोला जा रहा, लोग बहुत परेशान है, बोतल का पानी पीने मजबूर है, फिर नहाने धोने के लिए भी चाहिए भाई, बोतल के ब्रिस्ट मंगा ले रहे हैं। कहो गए 15-20 दिन तो हो गए, 15-20 दिन से आगे चल रहा है। पानी की समस्या तो रहती है यहाँ, जब से आए हमें 3 साल हो गए, लेकिन पानी की समस्या तो रहती ही है यहाँ। पानी हमेशा गंदा आता है, हमेशा आता है, कभी बस कंप्लेन कर दो तो 2-4 दिन ठीक आएगा, फिर वैसा ही वैसा आएगा। नहीं कुछ नहीं डाला वहाँ पे, खुदाई हो गई, देखिए अभी तक सही नहीं हुआ है। वो पहले कंप्लेन डाली थी तो वो खुदाई हो गई, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। पूरी कॉलोनी में जी लाइन बिछी हुई, तो अभी लाइन बिछाए हुए भी नहीं, मुश्किल से 10 दिन हुए हैं और सारा पानी इतना गंदा आ रहा है। अगर टंकी में घुस जाता है तो टंकी को साफ कराने के लिए बुलाने पड़ते हैं, इतनी बदबू आ रही है पानी में। और पानी जिस टाइम दोपहर में चलाओ शाम को चलाओ गंदा ही पानी आता है। कंप्लेंट की है, कंप्लेंट पर कोई नहीं सुनाई होती, और जो है इतना गंदा पानी आता है कि मैं लैट्रिन ही आ रही है गंदा पानी क्या, उनमें लैट्रिन की बदबू है। बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए एक उचित समय और उम्र निर्धारित है, लेकिन अब इसमें उम्र को लेकर एक बड़ा बदलाव होने की बात भी कही जा रही। बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन लेने की उम्र पहले 5 साल हुआ करती थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत इस उम्र को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय से जुड़े आरसी जैन का कहना है कि यह फैसला काफी अच्छा है कि पहली क्लास के लिए नई उम्र सीमा 6 साल की गई है और सभी राज्यों को इस नियम को पूरी तरह से मानना भी चाहिए। भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पहली क्लास में बच्चे के लिए 6 साल की उम्र तय की गई है उसका हम स्वागत करते हैं। इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, क्योंकि देखा गया है कि अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को 3 साल से पहले ही प्ले स्कूलों में डाल देते हैं, जो किसी भी हालत में मैं उचित नहीं मानता। 3 साल का बच्चा जब प्ले स्कूलों में जाएगा, 4 साल का बच्चा नर्सरी में जाएगा, 5 साल का बच्चा केजी में जाएगा, तो निश्चित ही अपने आप 6 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा, जो बहुत अच्छा केंद्र सरकार का कदम है। वैसे भी इसको सख्ती से लागू किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के 22 राज्यों में 6+ का बच्चा ही क्लास फर्स्ट में लिया जाता है, पर कुछ राज्यों ने अपनी मनमानी करते हुए जो 14 राज्य अभी भी ऐसे हैं, संघ शासित क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जब 5+ के बच्चे को क्लास फर्स्ट में दाखिला दिया जाता है। अब हम सब लोगों को मिलकर के इस बात को तय करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का पूर्णतः पालन हो और 6 साल कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिट हो, और किसी भी हालत में 3 साल से छोटे बच्चे को स्कूलों की तरफ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का विकास रुकता है, बच्चा कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये बात अलग है कि शुरू में कुछ स्कूलों को इससे समस्या आ सकती है, जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासें नहीं हैं वहाँ पहली क्लास में इस बार हो सकता है कुछ स्कूलों को दाखिला ना मिले, और जिन स्कूलों में केजी क्लासें हैं प्री प्राइमरी में उनको 1 साल बच्चों को केजी क्लास में रोकना पड़ेगा। फिर भी केंद्र सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। विकास मार्ग पर कई सालों से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से काम की गति है उससे यहाँ पर आने वाले दिनों में या फिर काम करने वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ काम काफी धीमी गति से चल रहा है, स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, जगह जगह तोड़फोड़ से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही। यहाँ पर फुटपाथ बनने का भी काम चल रहा है।
जिस पर लोगों का कहना है कि फुटपाथ और सर्विस लाइन को इतना चौड़ा कर दिया गया है कि सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है। साथ ही यहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, सड़क तो छोटी हो गई है और ऊपर से यहां पर दुकानदार और साथ ही आने जाने वाले ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये, कभी एक बार बनता है फिर दोबारा बना बनाया टूट जाता है ये। अभी पीछे हमारी दूसरी शॉप है, वहाँ पर हमने रोड नया बना था, अगले दिन फिर दोबारा तोड़ के दोबारा काम चल रहा था। अब कभी ग्राहक भी आता है तो सोचता है कैसे आए, कुछ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर इस लेन में। काम तो हो रहा है मगर उस हिसाब से सुविधा ही बनानी चाहिए, कस्टमर दुकानदारों के पास कैसे पहुँचे। हाँ, सड़क फुटपाथ चौड़ा हो गया, सड़क थोड़ी छोटी हो गई है अब। हाँ, दिक्कत हो ही रही है, दिक्कत ग्राहक आता नहीं है, कस्टमर चलते नहीं है दुकान पे। गाड़ी कोई बाइक से आए कोई कार से आए, कहाँ खड़ी करेगा। बहुत टाइम से चल रहा है बट बेफिजूल काम हो रहा है। आप देखिए बाइकें सिर्फ लगी हुई हैं, ये फुटपाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ही बाइक लग रही हैं। और आप देखोगे रोड जो थी इतनी बड़ी रोड थी, अब वो हाफ रह गई है। आप देखिए सिर्फ दो ही बस जा सकती हैं। आप अगर आप लक्ष्मी नगर प्रीत विहार से निर्माण विहार की तरफ आएंगे, पूरा दो किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। अभी आप जाके देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक खड़ी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको बनाने का। रोड बहुत छोटी, 100% आप खुद जाके देखिए, निर्माण विहार टू प्रीत विहार 1 किलोमीटर का अभी भी आपको जाम मिल जाएगा। इवन आप लक्ष्मी नगर से प्रीत विहार का देखेंगे पूरा, ये चलने के लिए यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, चलने के लिए सिर्फ वो उतनी सी जगह रह गई, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, प्लस में बात ये भी है ना कि इतने अच्छे अच्छे रास्ते सड़कें तो बनते हैं, फिर क्या एक साल होगा, साल भर होगा, 6 महीना फिर तोड़ा जाएगा उसे, फिर तोड़ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होगा, फिर बनाएंगे। तो हम तो दिल्ली से 15 साल में दिल्ली में रह रहे हैं, तब यही देखते हैं रास्ते बनते हैं फिर 6 महीने बाद तोड़ा जाता है फिर बनाया जाता है। हाँ, कोई प्लान के तहत नहीं होता है। बस देखिए इतनी अच्छी सड़कें बनी है ना, हमें लगता है कि 6 महीने बाद तोड़ दिया जाएगा, फिर पता चलेगा फिर पाइप डालना होगा इसमें। ये कंटिन्यू दिल्ली में हम करीब 15 साल से ही देख रहे हैं, रोड बनाते हैं तोड़े जाते हैं, फिर बनाया जाता है फिर तोड़े जाते हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से तोड़ रहा है, हमें साल भर से देख रहा हूँ, और रास्ते जाम हो रहे हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कतें हैं कि रास्ते जाम होते हैं, सुबह में जब लोग ड्यूटी जाते हैं उस समय जाम होता है, फिर ड्यूटी ऑफ होता है उस समय जाम होता है, क्योंकि रास्ते जो चौड़े नहीं है ना, रास्ते कहीं ना कहीं बनते रहते हैं एनी टाइम। ऑटो चालकों की मुश्किलें हमेशा से ही बढ़ी रहती हैं। अब इन ऑटो चालकों की वर्दी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में है। कुछ समय पहले इनकी वर्दी ना पहनने पर भी चालान किया गया था, अब एक बार फिर से ये चर्चा में है। और चर्चा इस बात की हो रही कि क्या यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी किया जाना चाहिए। तो इस पर कुछ ऑटो चालकों का कहना है कि वर्दी ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर पर पहले ही इतने खर्च होते हैं कि वर्दी के लिए खर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही कई ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि वर्दी होनी सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ड्राइवर है, लेकिन वर्दी ना पहनने पर चालान करना सही नहीं है। भाई कोई भी पहन लेते हैं, ग्रे कलर का, कोई ग्रे कहते हैं ओनर, अगर गाड़ी ओनर चलाएगा तो वाइट चलाएगा, अच्छा। ऐसा कोई इशू नहीं है, चलान तो पहले से ही है, वो तो मून की बात है। ट्रैफिक पुलिस को सर्वे कांटों के अलावा कोई व्हीकल नज़र नहीं आता। नहीं नहीं, वर्दी इतना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। वर्दी क्या, यूनिफॉर्म, कपड़े तो हमने डाले हुए हैं ना, अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, तो नहीं कि गलत डाले हुए हैं। एक यूनिफॉर्म का इशू हो जाए कि यूनिफॉर्म में चलान कटेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी पहने हम लोग, हाँ पहन लें, कोई टेंशन नहीं है उसमें, कपड़े तो पहन हैं, यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो उसमें क्या है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई हमारी यूनियन नहीं, कोई हमारा लीडर नहीं है, सेल डिवेंट छोड़ रखा है ऑटो को, इसका कोई वारिस नहीं है। चलान तो उनके मून की बात है, 66192 में लगाते हैं, 66192 में क्या है, ये कोई मर्डर कर रहा है ऑटो, क्या कर रहा है, 66192 में लगा के उसका चलान दे देंगे। मैडम ये तो ऐसा है ना, जो गरीब आदमी है मैडम वो बहुत दुखी है, क्यों जो भी काम होता है ना सिर्फ ऑटो वाले पे ही लागू होता है। अभी रिक्शा इतनी चल रही है भाई, उनकी नहीं है कोई भाई यूनिफॉर्म, नियम तो नियम है सबके लिए, नियम ऐसी बात तो नहीं है। अब ये कहते हैं यहाँ बैज लगाओ, यहाँ टोपी लगाओ, मैडम कहाँ से इतना पैसा लाया बताओ मुझे, जगह इतना पैसा होता तो हम ये ऑटो चला होता, ये बताओ मैडम, आप सोचो बात। मैडम जब तक 66192 भाई बाद में नहीं हटेगी ना, जब तक सबके लिए दिक्कत है मैडम। ये दिल्ली का CM आया था, इसने कहा था हम आते ही हम 66192 हटा देंगे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं टाइप किया। आउटर गवर्नमेंट तो बहुत देती है कि ये चेंज करिए, वो चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए, सड़क की हाल गड्ढा पड़ा है, लाइसेंस है बेच है, बुढ़ा हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बस ये है कि वर्दी चलान करवा लो, तुम्हारा वो नो एंट्री करवा लो, मैट्री करवा लो, मतलब लूट रहे हैं। दिक्कत ही दिक्कत है, केजरीवाल ने अपना रोटी सेक लिया, अपना रोटी सेक के चला गया वहाँ पे, यहाँ ऑटो वालों को बेवकूफ़ बनाना है, वोट लेना है ना।
अब 5,000 का या 10,000 का अगर करेंगे, जो ऑटो वाला अपनी ने वर्दी 500 रुपए की नहीं सिलवा सकता, वो 10,000 का चलान कहाँ से भरेगा। देखो एक नॉर्मल चीज, देखो पुलिस वाले हैं कोई भी है, उन्हें सरकार वर्दी भी देती है, हर चीज़ देती है। हम ऑटो वाले हैं, ठीक है ना, अपनी कमाई के अनुसार। अब ये 7.5 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना, 400 रुपये अभी इसकी, अभी या तो झाड़ी दें, किराया निकालो, मैटर्स निकालो, मतलब उसमें किस किस चीज़ का खर्चा निकालने बताइए। समस्या बहुत है, समस्या एक हो तो सुने आदमी, किसी मेट्रो पे चले जाओ, ऑटो वाले को सवारी लगाने का जगह नहीं मिलता, ई रिक्शा लाइन लगाए खड़े कहीं चले जाओ, मतलब पेन नहीं चाहिए। नीरो जो है वर्दी सबके लिए जोड़ी है, बेगा वर्दी के चलाने कौन आदमी है, क्या पता चलता उससे वर्दी। हाँ बिल्कुल जोड़ी है, आधे लड़के ऐसे चला रहे जिनको वर्दी नहीं है, कुछ नहीं है और चला रहे। तापमान में इस बार फरवरी के महीने में ही काफी बढ़ोतरी देखी गई। फरवरी के महीने के ही टेम्परेचर ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फरवरी के महीने में बढ़ती गर्मी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि जब भी टेम्परेचर में गिरावट या फिर बढ़ोतरी आती है तो उस दौरान वायरल की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ये बीमारियां बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशान करती हैं। खासकर बढ़ते टेम्परेचर से खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जो इस समय हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। फरवरी में इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हॉस्पिटल में वायरल के मरीज भी बढ़ रहे हैं। देखिए जब भी टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से बदलता है हमारे शहर के अंदर, तो उससे हमारे सेहत के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है। अगर एकदम से तेज़ी से जो सर्दी हो जाती है या एकदम तेज़ी से जो है वो गर्मी होने लगती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। आजकल हम देख रहे हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लोग जो है मरीज बहुत तेज़ी से अस्पतालों में आ रहे हैं, जिसके अंदर बड़ी स्टबन टाइप की खांसी, ज़िद्दी खांसी जिसको बोला जाता है, जो दवाई लेने के 5-5, 7-7, 15-15 दिन तक जो है वो खांसी रहती है। इस तरह की खांसी आजकल लोग जो है उनको हो रही है, और डॉक्टरों के लिए भी जो है वो इसको इलाज करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की दवाई देने पे भी जो है असर बहुत कम हो पाता है। तो इस तरह की खांसी आजकल जो है वो देखी जा रही है। दूसरा, इस समय पे जो है वो लूज मोशन के मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगते हैं हमारे पास जो है वो, क्योंकि लोग अब बाहर जाके खाना बाहर जाके चीज़ें लेते हैं, तो उस समय में जो है वो अगर कोई इन्फेक्टेड चीज़ होती है तो उससे टाइफाइड, लूज मोशन, इस तरह की बीमारियों के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रेंड जो है एनवायरमेंट चेंजेस का बहुत उपयुक्त नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को खास ध्यान रखना चाहिए, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। आप देखें कोविड के बाद ये पहला साल है जब लोग खुल के बाहर निकल रहे हैं, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाएं, चाहे आप मेट्रो में जाएं, चाहे आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोगों ने मास्क उतार दिए, उसकी वजह से ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जितनी भी हैं, चाहे आप टीबी की बात करें, चाहे आप निमोनियास की बात करें, फ्लू की बात करें, इनका ट्रेंड एकदम मल्टीप्लाई हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। ये सब जगह पर देखना है, अस्पतालों की ओपीडी के अंदर और एडमिशन के अंदर बहुत फर्क पड़ा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।